और एक संगीतकार मौन के ऊपर सुरों के साथ चित्रकारी करता है मौन के ऊपर इथ द फोर ग्राउंड ऑफ साइलेंस कलर्स ऑफ द साउंड्स आर यूज्ड एंड अ ब्यूटीफुल पिक्चर इज क्रिएटेड आउट ऑफ दैट अब ये जो ध्वनि का प्रभाव हमारे शरीर और मन पर आता है इस विज्ञान को हमारे ऋषियों ने इतने जल्दी समझ लिया और उसका फिर उपयोग दूसरे अपने शिष्यों को दूसरे व्यक्तियों को बताने के लिए समझाने के लिए उन्होंने ये सब जो चीज़ें हैं मंत्र शास्त्र जो है ये सारे वहीं से उसी भावना से सारे के सारे शास्त्र बने तो मैं ये मानती हूं कि एक जीवन में एक मंत्र सिद्ध तो कर ही लेना चाहिए ये इतना तो भी नहीं किया तो क्या किया अब ध्वनि और मन का ध्यान आपस में एक बड़ा सुंदर कॉम्बिनेशन है मन को जब हम किसी भी ध्वनि के साथ जोड़ते हैं और अगर वो ध्वनि ऐसी हो जिस ध्वनि के प्रभाव से हमने कल बात करी ना ऐसे भी ध्वनियाँ हैं जो मारन ताड़न जम्बारन उच्चाटन वशीकरण आकर्षण मोहिनी ये सब प्रभाव भी दे सकते जैसे मैंने कहा था कि रॉक म्यूजिक सुनने पर ये घटना घटी थी एक जगह में रॉक म्यूजिक की जो शो में गाने वाले गिटारिस्ट ने गिटार अपने सिर में फोड़ी और उसने तो थोड़ी सिर में लोगों ने उठा उठा के पत्थर अपने सिर में मार लिए दीवारों में सिर मार लिए क्योंकि इतना वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टोर्टेड गिटार्स और डिस्टोटेड सारा साउंड के सुनने वाला पागल हो जाए ये मास में हुआ और एक जगह में एक किसी एक रॉकर के साथ तो सुइसाइड की अटम्प्ट हो गए उसने अपने आप को मारा पहले और उसको देख के जो हेड बैंगर्स थे जितने पहले सिर मार रहे थे म्यूजिक की ताल के साथ दे किल सल्व हम क्या सुनते हैं कौन सी ध्वनि सुनते हैं कौन से शब्द सुनते हैं उसके वैसे प्रभाव हमारे मन पर आते हैं ध्वनि ऐसी भी हो सकती कि मन को शांत कर दे ध्वनि ऐसी भी हो सकती अच्छा आप ये देखिए माए दुनिया भर की माएं बच्चों को लोरी सुनाती अब जिस बच्चे को भाषा नहीं आती अभी मम्मी डैडी बोलना नहीं आता उसको मम्मी का गाना समझ लगता है क्या पर माएं गाती हैं और बच्चे सो भी जाते हैं चक्कर है चक्कर है।, है बच्चा मेलोडी सुनता है वो जो मनाटनस टोन करती रहती है ना बेटा सो जा बेटा सो जा बेटा सो जा बच्चा बोर हो गई सो जाता है माए लता मंगेशकर थोड़ी कि वो इतना सुंदर गा रही कि बच्चे को एकदम मतलब मस्ती आ गई उसे पर एक सिंगल टोन जस्ट वन टोन एक टोन चलती रहे एक ही टोन चलती रहे एक ही टोन चलती रहे, रहे मनाटनेस चलती रहे मन डलनेस में जा सकता है मन शार्प हो सकता है सुरत शब्द संतों ने यहीं से यह अभ्यास निकाला अपने मन को अंतर्मुखी करिए मन की वृत्ति में शब्द चढ़ाइए माने किसी एक शब्द के साथ मन में पुनः 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 उसकी पुनरक्ति करिए एक ही शब्द अब इसमें कुछ इंटरप्शन in, नहीं आनी चाहिए दूसरे इधर उधर के ख्याल ना बीच में आते रहे एक ही एक ही शब्द एक ही शब्द एक ही शब्द चलता 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 रहे, चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, रहे। इंद्रिया क्षीण होने लग जाएंगी मन बाहर जाने में आलस करने लग जाएगा और फिर इस मन को अंतर्मुखी होने में शांत होने में स्थिर होने में सहायता मिल जाएगी शब्द के तीन रूप होते हैं हर ध्वनि के तीन रूप होते बैखरी मध्यमा पसंति बैखरी जो वाणी से बोला गया वेन यू स्पीक बैखरी जो शब्द हम वाणी से बोलते हैं विच इज ऑडिबल एंड कैन बी हर्ड आदर्श मध्य में शब्द का वो रूप है जो आपके कंठ प्रदेश में होता है आया कहां से आया है वो नाभि के क्षेत्र से अब का अर्थ होता है देखना तो हम ये भी कह सकते हैं कि मंत्र दृष्टा ऋषि ने शब्द को पश्यंती स्वरूप में देखा है ना कि ऑडिबल फॉर्म में दृष्ट हुआ उसको क्या देखा वह ध्वनि वह मंत्र का स्वरूप ना भी कंठ जीवा ये शब्द के तीन रूप होते जब आपने सोचा उस सोच से जब वो पहली तरंग उठी उस तरंग ने फिर कंठ तक और फिर कंठ से मुख तलक इसे कभी कभी क्या आप कहते हो कि शब्द गले में हैं पर मुंह से नहीं निकल रहे थे दुख में रोने में चिंता में डर में चीखना चाहते चीख नहीं पा रहे चीख निकल रही पर सुन नहीं रही बाहर नहीं आ रही बैखरी मध्यम और पसंती पसंती समझिए वह सूक्ष्म सूक्ष्म रूप है शब्द का जहां अभी अक्षर शब्द भी नहीं हुए अक्षरों के जोड़ से शब्द हुआ है कंठ तक आते आते उसकी फॉर्म पूरी बन चुकी है वाणी से तो निकालते हैं जब तक आपने जीव से शब्द बोले नहीं तब भी तो शब्द होते हैं। तब वो मध्यमा और जब अभी वो सूक्ष्म तरंग रूप होते हैं ना भी एक बात याद रखिएगा नाभि आपके शरीर का ही केंद्र नहीं आपकी जीवनी शक्ति का भी केंद्र वही है ऊर्जा का भी केंद्र वही है और बालक के शरीर में जो प्राण मां के जरिए से वो भी उसको नाभि से ही मिल रहे होते फ्रॉम दी अम्बलिकल कॉर्ड आपके सारे डर आपके सारे भय आपकी सारी वासनाओं का स्थान भी यही है जब बहुत जोर से डर लगे कभी तो शरीर में कहा सेंसेशन महसूस होती पेट में किसी वो बड़े वो रोल जो जाइंट व्हील जैसे होते किसी ऐसे आप राइड में हो आप आ, सिक्स फ्लैग्स जैसी राइड्स अमेरिका में जो फन पार्कस होते हैं दे आर वेरी डेंजरस वन द थ्रो यू थ्री सिक्सटी डिग्री हंड्रेड एट्टी डिग्री द ट्विस्ट एंड टर्न यू इन सो मेनी वेज अगर कभी उसमें गए हूँ वेयर डू यू फील द वेरी स्ट्रांग सेंसेशन अगेन इट इज इन योर गट इट्स नॉट इन योर हैड इट इज इन योर गट ये जी यू टी गट जो अंग्रेजी का शब्द है ना द गट फीलिंग Ask any thinker, the best thought when they had, they say it was my gut feeling. मध्यमा में नहीं बखरी में नहीं It's a gut feeling. तो अनजाने में हमारी भाषा में भी कुछ चीजें आ जाती पर्शियंती को हम intuition के साथ भी नहीं जोड़ सकते हैं इन अ इन ट्यूशन इट इज अ वेव इट इज अ किक इट इज अ पुश विच इज कमिंग पर शब्द का जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म स्वरूप है वह पश्यंती अब मंत्र बैखरी से शुरू होवे और मंत्र का जो पश्यंती स्वरूप है वहां तक पहुंचना होता है मान्य स्थूल से शुरू हुए और सूक्ष्म तक पहुंचना होता है ये मंत्र की सिद्धि के विषय में मैं बात कह रही हूं अब आप जीव से मंत्र कर रहे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ये थर्ड क्लास जप होता है और कहीं तो ये भी नहीं कर पाते वो कापी में लिख रहे होते हैं मैंने बोलने में भी उनकी गलती हो जाएगी दे वोंट बी सेइंग द मंत्र दे माइट से समथिंग एल्स सो दे यूज़ देयर हैंड्स टू राइट द मंत्र अब कर्म इंद्रिय श्रेष्ठ होती कि ज्ञान इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय अब जहां मन को लगाना चाहिए था वहां हाथ को लगा दिए तो ऐसे जो लिखते हैं ना तो मैं मेरे को लगता है लिख के आजकल तो स्कूल का होमवर्क करने के लिए टीचर्स मिल जाते हैं रेंट आउट होमवर्क दे डू देयर होमवर्क यू आर होमवर्क एंड यू पे द फी टू देम आजकल बच्चे स्कूल का होमवर्क करने वाले टीचर्स वेकेशन पे वो घूम रहे हैं और उनको किया कराया होमवर्क मिल जाता है दो हज़ार रुपया वो शायद यार पाँच हज़ार डिपेंडिंग अपॉन किस स्कूल में है वो कितने पैसे खर्च कर सकते कॉलेजेस के प्रोजेक्ट बने बनाए मिल जाते हैं हवा बी टेक कर रहे हैं कोई प्रोजेक्ट है तो ले लो किसी से पैसे दो बना बनाया ले लो कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना बना बनाया दे दीजिए तो जब खुद करना चाहिए था वहाँ हाथ को और कापी में दे दिए उसमें लिखते रहते लिखते रहते अयोध्या में वृंदावन में ऐसे कई सारे तीर्थों में ऐसे मंदिर बने जहाँ जाके लोग अपनी राम नमी जमा कराते कि इतने करोड़ मंत्र है यहाँ लिखा हुआ इतने करोड़ दस करोड़ मंत्र यहां लिखा हुआ है ये भी क्या बात हुई तो बिल्कुल मूड है शायद बैठना ही नहीं आता है जीव ही नहीं चलती है अब सेठ साहब गाली गलौच कर रहे हैं जीभ से हाथ से मंत्र लिखे जा रहे हैं एक थे वो आजकल सब गैजेट्स आ गए ना ऐसे उंगली में लाइक अ रिंग दिस इज अ स्मॉल तो इफ यू टैप इट इट विल इट्स एक पहले मैनुअल होता था अब डिजिटल हो गया जस्ट टैप इट वंस आपने एक मंत्र बोला ना टैप इट एक दो तीन तो पूरी गिनती उसमें आ जाती मैंने एक के देखे में क्या है नो कुछ नहीं कुछ नहीं हमें हाँ तो आज दिखी कुछ नहीं तो देख तो लेने दो हमने कभी देखा नहीं था कुछ नहीं नाउ ना आई कैन सी इट लेट मी वॉच इट वट इट इज अब उन्हें मालूम था कि ये चीज मैं पसंद नहीं करूंगी लेकिन मूड़ों की वानर सेना जब आपके साथ बैठी हो तो आप और क्या एक्सपेक्ट करेंगे तो वैसा है मैंने कहा वैसे तू जब डिजिटली हो रही तो गो लिटिल मोर हाँ टेक इससे एक वाईफाई सिग्नल वायर का कुछ करवा लो और वही टिक टिका टिक टिक टिका कर दे तेरा और मन में चला नहीं चला तार लगा लो यहाँ से बैटरी ऑपरेटेड कर लो फोन से बैटरी ले लो सोलर कोई सेल लगा ले उसमें और वही कर दे जैसे लोग पार्ट नहीं करवाते गुरुद्वारे के भाई को बुला लिया मंदिर के पंडित को कोई रामायण करा रहा है कोई बाबा जी का पाठ करा रहा है वो आके पाठ करता करके चला जाता है ये उसको पैसे दे देते ये भी बड़ी अच्छी बात है किराए में बंदे तुमने इसके लिए भी रख लिए वो तो कहते तो नहीं हमको आता नहीं है ना कौन बैठे इतनी देर सुकर वृत्ति पेट तेरा मुँह तेरा खाना खुद खाता है किसी को तोड़ी कहता मैंने बंदा रख लिया जो मेरे मेरे हिस्से का खाना खा लिया करेगा या कहो मैं तो बड़ा बिजी रहता हूँ बिजनेस में एक बंदा रख लिया जो मेरी बीवी को प्रेम कर दिया करेगा बिजी पर्सन आई हैव टू ट्रैवल व्हाट टू डू जब मैं नहीं होता ना तो मेरे बच्चों का वो पापा बन के घूम लेता है साथ में स्कूल में हुआ आता है पीटीए कराता है सब शॉपिंग करा देता है सिनेमा शॉपिंग करा देता है बच्चे खुश हैं पैसे दे देता हूँ उसको हर महीने अब इसी चीज़ की कसर रह गई अब वही करोगे तुम हंसने वाली तो कोई बात नहीं जब भगवान के लिए ये तुम बेईमानी कर सकते हो तो ये बेईमानी वहाँ क्यों नहीं कर सकते हो एंड इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग न्यूज़ टू मी मैं एक महिला से बात कर रही थी उसके संतान नहीं हो रही दिक्कत उसके पति में है और उन्होंने कहा चलो आजकल तो आई है तो वो करा लेते हैं तो आई कराने गए तो पता चला पति देव जी का स्पम काउंट बहुत ही कम है दिक्कत हो गई तो वो बड़ी सोच में पड़ी तो उसके पतिदेव उसको कहते हैं तो स्पर्म बैंक जाके ले आना मतलब क्या दिक्कत है उसमें गो टू एनी स्पर्म बैंक डोनर बैंक गेट टू स्पर्म गेट प्रेग्नेंट वाई आर यू आफ्टर मी ट्रीटमेंट मैं नहीं कराने वाला मैं नहीं कराऊंगा उसे दिख रहा है कि रिपोर्ट मेरी खराब है पर वो उसको कह रहा है जा, जाके ले आओ कहीं से मैंने तेरा दिमाग खराब है ऐसे आदमी के साथ तू एक छत के नीचे रह भी कैसे रही Such an insensitive person. तो जब कल बच्चे को स्कूल या हॉस्पिटल या क्लिनिक या इम्यूनाइजेशन के लिए जाना होगा तब किस किस किराए के बंदे को लाया करेगी कि भाई इसको कह दो जो बाप नहीं बन सका जो बाप होने में मदद नहीं कर सका जिसको बाप होने की शायद रुचि नहीं है तो ऐसे आदमी का बच्चा पैदा करना चाह रही यूर बिगेस्ट फूल कापियों में लिखो मंत्र देखिए आप करें बहुत अच्छी बात है आपको अच्छा लगता है ये मेरा ओपिनियन है और ये जरूरी नहीं कि जो मैं सोचती हूं आपको भी ठीक लगे आपको जो ठीक लगे वो आप करिए मेरी ओपिनियन में ये मेरे तो गले उतरती नहीं बात बिल्कुल नहीं उतरती शब्द की उत्पत्ति करे मंत्र के साथ मन जुड़े और जीवन बदल जाता है बाहर तो कापी बदलेगी बस वो खत्म होगी नहीं ले आओ वो खत्म होगी नहीं ले आओ वो खत्म होगी नहीं ले आओ और अभिमान करो जब हम नाम बैंक में जमा करेंगे उसे नाम बैंक बोलते हैं नाम बैंक में जमा करेंगे तो वहां से बकायदा उनकी एक वो सेविंग बुक मिलती कि तुमने अभी तक इतने जमा किए हैं दिल दिल में खुशी होगी कि देखो हमने कितनी नाम की कमाई कर ली है आई हैव सो मच नाम इन माई नेम डूब मरा संसार कबीर कहते डूब मरा संसार अपनी अज्ञानता में देखिए ये चर्चा मैं इसलिए उठा रही हूं क्योंकि इसका आपको समझ होनी चाहिए कि अगर कहीं आप ऐसा कार्य कर रहे हैं तो एक बार इस इस विचार पर भी विचार करिए कि क्या ये करना उचित है नहीं उचित है अभी छोटे छोटे बच्चे हो ना तो वो लिख रहा है दिखना सीख रहा है उसको कराइए लिख राम लिखो तो रा लिखना सीखेगा माँ लिखना सीखेगा सीधी लाइन बनानी सीखेगा बच्चे को कराइए वेरी गुड पर आप तो बच्चे मत बन जाइए तो मंत्र अभ्यास के विषय में बात कह रही हूं मंत्र का प्रथम रूप हो बैखरी आप बोलें मंत्र फिर बोलते बोलते मंत्र अपने मध्यम रूप में चला जाए जिसमें जीव चुप हो जाए जीव हिले नहीं जीव हिले नहीं होंठ हिले नहीं होंठ भी चुप जीव भी चुप और मंत्र चले कंठ में फिर धीरे धीरे शब्दात्मक मंत्र को ध्वनियात्मक बना दे तो मध्यमा में प्रवेश होना और सुखद और सहज होता चला जाएगा और मध्यमा में अगर मन की स्थिति ठीक रही मन जुड़ गया उसके साथ तो फिर मंत्र का पश्चंती स्वरूप जहां मन गया तो बस समझिए निर्विकल्प हो गया मन अब आपकी जितनी बुद्धि जितनी योग्यता जितनी खोज जितनी तड़प जितनी श्रद्धा जितना प्रेम होगा आप मंत्र के उतने ही स्वरूप से परिचित होंगे एक कहा ना मैंने लिखित रूप हुआ जहां आप कापियों में लिख रहे अब उसका तो वर्णन शास्त्र में ही नहीं है किसी शास्त्र में नहीं कहा कि मंत्र लिखो सिट डाउन एंड राइट मंत्र आई है किसी को ऐसा लिखा मिल जावे और उपनिषद होवे गीता होवे आदि गुरु ग्रंथ साहब होवे कबीर साहब का संतों का बाणियों का कुछ होवे फरीद का होवे तो लाइएगा मेरे पास ऐसे ही मत उठा लाइएगा ऐसा कहीं नहीं शास्त्र में कहीं नहीं कहा गया और किसी महात्मा ने किसी बच्चे को सिखाने के लिए कभी कह दिया होगा तो अलग बात है क्योंकि महात्मा बड़े दयालु होते बड़ी करुणा रखते तो वो करुणा करके कुछ बात कह देते पर वो जिसके लिए कही होगी वो उसके लिए उचित है उसको जनरलाइज नहीं करना चाहिए था तो मंत्र का बरी स्वरूप जब आप बोलते हैं देखिए जब मैं बोलूंगी मंत्र तो उस मंत्र की ध्वनि मुझ तक आई पर जब इसी को हमने इन ग्रुप बोला तो अब सबके द्वारा क्रिएटेड ध्वनि हो गई लेट से इफ अगर हम कल जैसे आपने वो देखा मैं फिर से उसकी सिमेटिक सिमेंटिक जिसको बोलते हैं उसकी बात कर रही हूं जहां श्रमिक की ट्रे के प्लेट के ऊपर नमक डाला गया इलेक्ट्रिक ऑडियो मशीन से साउंड दिया गया और एक हर्ट्स से शुरू किया आई थिंक सो फ्रॉम हंड्रेड हर्ट्स दे स्टार्टेड दे वेंट ऑल द वे नाइन थाउजेंड फिफ्टी तो जहाँ शुरू किया तो क्या कुछ चेंज होने लग गया अच्छा सोचिए अगर उसी प्लेट में शुरू ही होता नाइन थाउजेंड से और उसके साथ एक नहीं चार पांच और तारें लगी हुई होती तो क्या होता इज वेरी इंटरेस्टिंग तो जो कोई इलेक्ट्रिसिटी में या इलेक्ट्रॉनिक्स में जिन्होंने बी टेक वगैरह किया हो तो ऐसे कुछ लोगों के साथ मिलके ये एक्सपेरिमेंट करना बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि व्हाट व्हाट विल इट डू टू दैट जब आप अकेले मंत्र कर रहे हैं बैखरी से तो सिर्फ आपकी ही बनाई गई उस फिर बाण में बल उतना जितनी प्रत्यंशा कीजिए गई अब यही ग्रुप में हो रहा हो दस लोग बीस लोग मंत्र कर रहे हैं और बोल के कर रहे हैं। प्रभाव ज्यादा हो गया अच्छा अब इसमें हमने संगीत शामिल कर दिया डोलक की थाप आई मंजीरा आया फ्लूट आई ताली आई प्रभाव बढ़ेगा कि नहीं इसी को तो कीर्तन कहते हैं।

और मुंबई और दिल्ली वालों ने तो ऐसा सत्यानाश किया है उसको ए, ये नवरात्र के दिनों में मैं न्यूज़ देख रही थी और किसी फिल्म एक्टर के घर में नवरात्रि का वो जगराता करा रहे हैं और जब वो गा रही है तो वो लगे पता नहीं किसी क्या डांसर बार से आई लड़की है ऐसी उसकी ड्रेस है और पूरा ऑर्केस्ट्रा बैठा है और वो जो ठुमके लगा के गा रही है मैं भगवान ये, ये काली प्रकट क्यों नहीं होती इनके लिए अजीब सत्यानाशी बुद्धि हो गई रजोगुणी है ना भोगवादी मन तो भोगवादियों ने उसको भी भोग में बदल दिया तो वो पार्टी होती है लोग ऐसे तैयार होकर जाते जैसे किसी पार्टी में जा रहे हो पूरी ज्वेलरी के साथ बिडेक्ट एक हमारे चेले हैं उनके पुत्र की शादी थी तो अब कहने जी आपको तो आना पड़ेगा मैं हम नहीं आते कह रहे अच्छा आप हम हमारे कीर्तन में तो आ जाइए चलो कोई नहीं कीर्तन में चले जाते पंद्रह साल पुरानी बात है जब मैं पहुंची वहाँ तो पंडाल लगा था और वो जो तितलियाँ निकलनी शुरू हुई बड़े बड़े जुड़े और पता नहीं कैसे कैसे कपड़े और वो खुद महिला भी ना मतलब अब पता नहीं सीधे अभी ब्यूटी पार्लर से ही पहुंच रही थी वो मैं वैसे हो क्या रहा है फैशन यहां पर है यहाँ पर व्हाट इज हैपनिंग वो किराए का बंदा वो अपनी टीम लेके आया है अच्छा उसमें लिखा था वो बंदे का आया मुझे मिलने तो उसने अपना कार्ड भी रखा तो उस पर लिखा था किट्टी पार्टी शादी गौन लड़के जगराते के लिए हमको बुक कीजिए माने अब मर मरा जाएगा तो सियापा करने आ जाएंगे फिर तो उनके लिए तो प्रोफेशन है ना वो अब प्रोफेशनल आदमी बैठ करके माता रानी की जय करे एह, ए, लानत ऐसी जय पर खुद बोल लो ना माना बेसुरे हम दिल से तो गाएंगे क्या हो गया सुन नहीं आता क्या हो गया अरे उससे अच्छा सीडी लगा लो भाई जिसकी भी पसंद हो जिसने भी अच्छा गाया हो भले उसकी लगा लो मैं एक बात कहती हूं आर्टिस्ट की कला को दूर से देखिए प्रशंसा कर लीजिए आर्टिस्ट के पास में तो बैठिएगा क्योंकि पास बैठेंगे तो वो आपको उतना ही ऑर्डिनरी दिखेगा जितने आप हो मेरे एक शिष्य है इंग्लैंड में उनका रेडियो स्टेशन है अपना ब्रेडफोर्ड में तो वो कह रही थी कि मेरे पास सारे सिंगर्स इंटरव्यू के लिए पाकिस्तानी भी इंडियन भी पंजाबी बॉलीवुड के सब लोग आते हैं क्योंकि पॉपुलर है तो वो इंटरव्यू के लिए बुलाते वो लोग जाते तो वो सिंगर्स की बात हुई तो वो सबके नाम गिने कह रही ये तो दिन में भी पिए हुए होते हैं आए स्टूडियो में तो भी पिया हुआ था एक का उसने नाम लिया कह रही वो अच्छा है वो ऐसे बाकी लोग पी के गाते हैं ये गाने के बाद पीता है